अपर संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव के हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी जो है मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी, इंस्टाग्राम में मेरे को डालनी होती है, तो कब से मैंने फ़ोटो इतनी खिंचाई थी तो आज मैंने जो है पिक खिंचाई। तो अभी मैं इस गेटअप में हूँ, तो आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी ड्रेस चेंज करती हूँ, उसके बाद ब्लॉग क्या बोलते हैं स्टार्ट करते हैं। अभी जो है बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो नहीं थोड़ी थोड़ी हो रही है, मतलब हुई थी अब कम हो गई। तो अभी मैं दुकान में जा रही हूँ सामान लेने हैं मंदिर में, मंदिर के लिए पूजा वगैरह है कल, तो सामान लेने जा रही हूँ। ठंडा इतना भयंकर हो रहा है ना, और फिर थोड़ा अगर ऊपर साइड को तो बर्फ़ पड़ गई है, यहाँ कम ही पड़ती है बर्फ़, ऊपर वाले घर में पड़ती है बर्फ़, ऊपर जो घर था ना हमारा वहाँ पर पड़ती थी बर्फ़, यहाँ कम पड़ती है। अभी मैं दुकान से सामान लेने जाती हूँ, ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा। मेरा नाम ब्लॉगर थोड़ी है, मेरा नाम तो भावना है। बुआ बोलते हैं, ब्लॉगर नहीं बोलते, बुआ बोलते हैं। बुआ ठीक हाँ, क्या कर दिए यहाँ आज स्कूल से? आज तो छुट्टी थी। जॉनी जॉनी याद हो गए? हाँ। सुना हाँ। मैंने याद कराई थी मैंने, सुना जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सुगर नो पापा टेलिंग चलाए नो पापा ओपन योर माउथ। अभी भाभी और मैं जो है राशन लेने आई हैं, यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है राशन दिया जाता है। तो दगड़े आप देख सकते हैं सबको इतना इतना मिला है, आपके साथ ये ना इंसाफी क्यों हुई? इनको इतना ही मिला आप बता सकते हैं कोई समझ में नहीं आ रहा है इनका खुद नहीं पता चला इनको इतना क्यों मिला। ये देखिए सबके अभी हमारी बारी भी है, हमें कितना मिलता है देखते हैं इनका कितना देखो औरों का कितने देखो तीन जिन आ रही है, तीन जिने आए हैं ये लेने के लिए गेहूं मिले हैं, ये उत्तराखंड सरकार ने दिए हैं, ये इतने से इतने कम बारी बारी ले जाएंगे। अच्छा बारी बारी हाँ ज्यादा भारी है, ज्यादा भारी है इसलिए नहीं पकड़ पाओगे ना वो देखो वो इतना पकड़ रही है इतना खुश हो रखे हो पूरा मेरे सभी लोग हर्षोल्लास में खुशी के मारे बाप रे इतना भारी उठा के ले जाएंगे नीचे तक हमने लास्ट दोंगे क्या एम इतना लास्ट मैं जहां करना चिंटू हैं समझ नहीं आ रहा कुछ एक चावल एक गेहूँ चार चावल एक जने का अच्छा एक किलो चावल सात किलो गेहूँ किलो गेहूँ वीडियो अच्छा ऐसे बाप का आपका है तेरा अच्छा अच्छा जितना इन्हें मिला उतना हमें भी मिला है। हाँ ये अभी किसी और का है यार, अपना तो वही है मेरा इतना ही अच्छा वो वाला था आपका ये भाभी जा रही है इतना लेके इसमें है इसमें चावल है मैंने पकड़े हैं
गेहूँ और ये सबको अलग अलग हिसाब से मिला है। दगड़ियों ये है हल्दी जिसको हम काटेंगे, पहले उबाला है, मेरे ऊपर मत खनियार देना। भयंकर खुशबू आ रही है इसे तो। ये अब मैं अपने पिंपल में लगाऊंगी हल्दी। आज जो है हमें ये हल्दी काटनी है, सुखा रखी है अभी ये भिगो के जो है सॉफ्ट हो जाती है थोड़ी, तो काटने में थोड़ा इजी रहता है। तो अभी इसको सुखाएंगे, फिर इसमें काटना है। भाभी और मैं ही आज घर में, मम्मी जो है जा रही है इधर सुरखेत, बर्थ मतलब कथा है किसी की, वहाँ जा रही है। पंकज जो है और ग्वाला गया है भाई के साथ, कुछ काम है। आज हम यूवी, मैं और भाभी हैं घर पर। हाय यूवी, इधर देख के बोल। डांस कर दे अब, ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे 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 कर दे, ऐसे ऐसे। ये नहीं मत बजा, पापा डांटेंगे। ये सुखा रखा है धुआर, काट काट के कल काटा था ये हमने, छोटा छोटा सुखा रखा है। जैसे जखिया होता है ना वैसे ही कुमाऊँ में इसका तड़का लगता है धुआर का। गढ़वाल में जखिया का तड़का लगता है, कुमाऊँ में धुआर का। मैं कौन हूँ? भाने चुपाल नहीं बोलते, यू भी बुआ बोलते हैं। बोल बुआ बोल। मैं भावना नहीं हूँ, मैं भावना चुपाल नहीं हूँ, बुआ बोलते हैं। बुआ बोल, बुआ गिरेगी यहाँ से, भम होएगी, मैं नहीं उठाऊंगी, मैं जा रही हूँ। भाने चुपाल बुआ बोलेगी, भाने चुपाल नहीं बोलना, ठीक? हाँ बा, आ जा फिर उठाती हूँ। अब बुआ बोलेगी, भाना चुपाल नहीं बोलेगी, ठीक? कहाँ भाग रही है? हमने काट दी है इतनी हल्दी, ये और काटनी है। यार यू भी इसको ऊपर मत चढ़ तो, फिर अभी इनको सुखाएंगे, फिर उसके अच्छे से छानेंगे, फिर उसके बाद मिक्सी में पीसेंगे। इसने काटा है सारा, ये बोल रही है मैंने काटा है सारा। अच्छा अब हम खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला काटना है। अभी और भी है क्या पता नहीं, खैर इतना ही है अभी, नहीं काटा है इसने। तो दगड़ियों अभी जो है आधी हल्दी हमने काट दी है, आधी अभी भिगोने के लिए रखी थी, तो भाभी वहीं पे भिगो रही हैं, मतलब उबालने के लिए रखी थी वो, तो उबल चुकी हैं, भाभी उसे निकाल रही हैं। अभी जो है मैं दिन का खाना बनाती हूँ, जब तक भाभी वो उन्हें उन हल्दियों को निकालती हैं, फिर खाना खा के हम दोबारा हल्दी काटेंगे। और हाथ देखो मेरे पीले हो चुके हैं मेरे हाथ पहले ही पीले हो गए हैं गाइस, हल्दी लग गई है मेरे हाथों में। तो अभी जो है ये भी ऊपर ही है, मम्मी भी काट रही थी थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद मम्मी चली गई कथा में। अब जो है मैं बनाती हूँ दिन में, आज खिचड़ी बनाती हूँ, पुलाव जैसी खिचड़ी बनाती हूँ मैं, तो पुलाव ही बनाऊँगी, मतलब खिचड़ी टाइप। दगड़ी और रात से ब्याल हो गई है, इन्होंने अभी तक यही नहीं कर पाए, पूरा दिन इसी में बिता रहे हैं, स्लो मोशन में लगे हुए। स्लो मोशन नहीं है, फास्ट मोशन है। इतने बचे अभी तो पता नहीं, कल अभी तक तो और भी उधर हैं, और एक हफ्ता लग जाएगा फिर तुम लोगों को। तो तीन कट्टे हैं, पिछली बार हमने 7 कट्टे काटे थे 2 दिन में।
इसमें कितने दिन लगेंगे फिर? इसमें लगेंगे, इसमें 2 दिन, 3 दिन भी लग सकते हैं। देखते हैं, पता नहीं। दिन दो फरी है के चम चम घामा, भले बेटी पोरियो है जल पूर्णी हो काम। दोस्तों मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कई लोग बोल रहे हैं कि पंकज भाई कहाँ है। पंकज भाई इधर है, इधर ही चाय पून, कहाँ जाएगा? बाद में डिलीट मत करवाइयो ये। डिलीट कर देता हूँ मैं, इसलिए मेरी वीडियो आती नहीं है, क्योंकि मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरी लड़कियाँ पागल वागल हो जाती है। मेरे हाथों में लगी हल्दी है। ये पहाड़ी रेनकोट जिसे बोलते हैं मूड। पर जुराब गीले हो ही जाते हैं इसमें। पंकज को फटा हुआ रेनकोट दे, फटा हुआ मूड दे रखा है पंकज को। ये देखो पंकज का मूड, वहां पे छेद है एक में। दिख तो नहीं रहा पर मैं तेरे रेनकोट में। हम सब एलियन लग रहे हैं। जादू जादू। अभी जो है हमारी गोभी की सब्जी बन रही है, खाना खाते हैं, उसके पास सो जाते हैं। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो।